जैसे कि लेबर डे आ रहा है, योम मज़दूर दिन, और यकम मई आलमी तौर पर मनाया जाता है मज़दूरों के हवाले से। तो मज़दूरों के हवाले से तो फिर जाहिर सी बात है हमें मज़दूरों के पास जाना पड़ेगा या उनसे रिलेटेड लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही आज मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, फारूक साहब नाम है उनका, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम, की हाल चाल है तुहाडा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो बाबा जी ये दसो कि तुम ये काम कदों तो कर रहे हो? एक तकरीबन कोई 15-16 साल तो कर रहे हैं। तो तुहाडा इहदे नाल गुजारा हो जाता है? बल्कि अल्लाह पाक का शुक्र है जरा रोजी मिलता है अलहमदुल्ला, अच्छा गुजारा हो जाता है, कभी हो गया कभी कम हो गया। माशाल्लाह पढ़ गई ने पहले ही हमने इसे मेहनत पाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मजदूर दिन वास्ते तुसी की कहोगे? असीं हर मजदूर नूं इही कहांगे कि हलाल की रोजी कमाओ, हलाल का काम करो, थोड़ी मेरी हो गई चला पाल बरकत पा देगा। बाबा जी एंड से तुम मैं ये भी दसो कि गवर्नमेंट तो की हुकूमत तो की मुताबिक है कि उन्होंने मजदूरों वास्ते की करना चाहिए? उन्होंने मजदूरों की फलाह महबूद वास्ते अच्छे अच्छे कोई प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, मजदूर का ख्याल करें। मजदूर कमजोर है इस मुल्क के, मजदूर नहीं कोई काम नहीं, लफ्जी ध्यान रखते कोई करते नहीं, कम करने चाहिए तनजीमों के नाल तावन होना चाहिए ताकि वो थले वाली सतह के जो लोग ने उन्होंने मदद कर, जो मुस्लिम मेरे वर्गे कर्जा वर्जा चाहते हैं मेरे काम थोड़ा जहा वसी हो जाए, घर के हालात हो बेहतर हो सकते। चलिए ठीक हो गया, इंशाल्लाह कोशिश करा ये पैगाम हुकूमत तक पहुँचाया जाए। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी बाबा।